वेलकम टू रसोई छप्पन भोग। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप साबूदाना, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। और यहाँ मैंने 1 कप साबूदाना भीगा हुआ लिया है। गैस पे हमने ये पतीला चढ़ाया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 लीटर दूध। तो ये 1/2 लीटर दूध है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे अब हमें चलाते हुए इसमें एक उबाल आने तक हमें पकाना है। दूध को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे मैंने फ्लेम जो कर रखी है गैस की, वो हाई कर रखी है, क्योंकि हमें दूध को उबाला देना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे पकाना है। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो ये गरम दूध है हमारा, तो मैं इसमें से थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर में दूध डाल दूँगी गरम, क्योंकि हमें ठंडे दूध में इसे कस्टर्ड पाउडर में नहीं मिलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसे अब हम अच्छे से चला लेंगे। और इस कस्टर्ड पाउडर को अभी हम रख देंगे साइड में, और दूध में उबाला आने तक अच्छे से हमें चलाते हुए इसे उबाला लाने तक चलाना है। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये साबूदाना जो हमने भीगा हुआ लिया था, और इसे चलाते हुए अच्छे से, जब तक साबूदाना हमारा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो अब हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे लगातार हमें चलाते हुए ही दूध को पकाना है। दूध हमारा अच्छे से उबल उबल के थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, और हमारा साबूदाना भी थोड़ा पक गया है। तो अभी हमें इसे 5 मिनट और अच्छे से पकाएंगे, ताकि साबूदाना अच्छे से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसे लगातार आपको चलाते हुए ही दूध को बॉईल अच्छे से देना है। दूध अच्छे से उबल गया है और हमारा ये जो साबूदाना है ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इस टाइम पे ये कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को डालने से पहले अच्छे से हमें एक बार इसे अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये कस्टर्ड पाउडर और इसे चला लेंगे, और इसे 2 से 3 मिनट और हमें अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये पकेगा और ये हमारा दूध जो है वो और ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। तो सिर्फ हमें 2 मिनट और इसे पकाना है, ताकि हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो कच्चा ना रहे, स्मेल ना आए इसमें। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट पकाना है। आप देख सकते हो कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें जो डालेंगे वो बहुत हेल्दी होंगी, जो कि बड़ों को बच्चों को बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। ये अब हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं कि मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। इस टाइम पे हम लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि चीनी जो है हमारी मेल्ट हो जाए। इस टाइम पे जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे चख के भी देख सकते हो। अगर आपको कम लग रही है तो आप इसमें चीनी और डाल सकते हो, तो और नहीं तो जितना आप खाना पसंद करते हो चीनी, आप उतना इसमें डाल सकते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है,
गैस को कर दूंगी मैं ऑफ, और इसे हम कम से कम बिल्कुल ठंडा 1 घंटे के लिए हम इसे साइड में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये साबूदाना हमारा कस्टर्ड जो हमने बनाया था ये ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसे 1 घंटा फ्रिज के अंदर रख दिया था जिससे ये थोड़ा सा चिल हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं फ्रूट्स। सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगी अंगूर आधा कप, आधा कप अनार, आधा कप मैंगो बिल्कुल बारीक कट करा हुआ, आधा कप केला इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। ये हमने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे 20 से 25 काजू के टुकड़े और 10 से 12 मैंने बादाम लिए थे जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये भी मैं इसमें मिला दूंगी। और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसमें कस्टर्ड में तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप अपनी पसंद से यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और कोई भी आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये बनके तैयार हो गया है फ्रूट कस्टर्ड। तो थोड़ा सा मैं गार्निश करूंगी इसके ऊपर अनार के दाने। थोड़े से अंगूर कटे हुए, थोड़े से कटे हुए बारीक मैंगो, थोड़े से इसके ऊपर डालूंगी मैं ये काजू के टुकड़े, थोड़ी सी चेरी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, मेरे पास थी तो मैंने इसको ऐड किया है। ये हमारा बनके तैयार हो गया है साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड। तो इसे ठंडा करने के लिए हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर सर्व करेंगे। ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल चिल चिल। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।